एपिसोड 895, बुरा वक्त। सुमेर ने जब अपने आप को उस आग के घेरे के बीच देखा तो वो घबरा गया और उठकर खड़ा हो गया। वो अपने चारों तरफ देखता हुआ बोला, ये मैं कहाँ आ गया और माई कहाँ है? माई कहाँ गई आप? सुमेर बेचैन नजरों से माई को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे माई कहीं नजर नहीं आ रही थी, जो सुमेर हमेशा ही अपनी ताकत के घमंड में चूर रहा करता था। आज उसे पहली बार डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मुसीबत में फंस चुका था। उसे ये तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ से निकलना कैसे था, क्योंकि वो जिस मुसीबत में था उसे तो वही समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके बगल से तेजी से हवा का एक झोंका गुजरा हो। सुमेर चौंकते हुए उस तरफ देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया। फिर एकदम से किसी की खिलखिलाती हुई आवाज गूंज गई। वो आवाज इतनी मीठी थी कि किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती थी। एक पल को तो इस आवाज को सुनकर सुमेर हैरान रह गया। फिर वो आहिस्ता से बोला, कौन है यहाँ? सुमेर के सवाल पर एक बार फिर वही खिलखिलाती हुई आवाज उसके आसपास से गूंजने लगी और साथ ही सुमेर के कानों में पायल की आवाज पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई लड़की आहिस्ता आहिस्ता पायल पहनकर उसके आसपास घूम रही थी। उसके पायल की छमछम से सुमेर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। सुमेर चारों तरफ देखकर चीखता हुआ बोला, कौन है यहाँ? आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका साथी हूँ। आप लोगों के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ और आप लोग मेरे साथ ही खेल रहे हैं? मैं आप लोगों के लिए खेलने की कोई चीज हूँ क्या? सुमेर की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह को बंद कर दिया हो। वो चाहकर भी आगे बोल नहीं पा रहा था। वो बार बार अपने मुंह को खोलने की कोशिश करता, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके होठों को चिपका दिया हो। सुमेर अपने मन में बोला, आखिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इतना सोचते हुए फिर उसने तुरंत ही अपने आप से कहा, सुमेर तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तू रोज बंजारन के साथ लंच और डिनर करने आ जाता है। ये तो शायद बंजारन से तेरी दूसरी या तीसरी मुलाकात होगी, या शायद सिर्फ दूसरी बार। लेकिन जब मैं पहली बार उससे मिला था और जब मैंने उसकी मदद की थी, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तभी सुमेर के कानों में आहिस्ता से एक लड़की की मीठी आवाज गूंजी। वो आवाज सुमेर से बोली, सुमेर तब ऐसा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि तब मैं तुम्हें जानती नहीं थी, लेकिन अब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, है ना? तुम्हें लगता है कि तुम मेरी मदद कर रहे हो और ये भी कि मैं तुम पर निर्भर रहूं, है ना? ये सुनकर सुमेर एकदम तेजी से अपनी गर्दन को इनकार में हिलाने लगा। तभी अचानक से किसी ने आग की तरह तपते हुए हाथ उसके सिर पर रखा और उसके बालों को जोर से खींचा। सुमेर के सिर में बहुत तेज दर्द हुआ। उसकी गर्दन अपने आप ही पीछे की तरफ मुड़ने लगी। जो आवाज अभी तक मीठी थी वो अब एकदम से गुस्से में गरजते हुए सुनाई थी, मैं सब जानती हूँ, सब कुछ। इतने में सुमेर की नजर सामने से आती हुई माई पर पड़ी। इस वक्त भी माई ने अपने कंधे से नीचे अपने हाथों के हिस्से को छुपा कर रखा था। माई सुमेर के आगे आकर खड़ी हो गई और मुस्कुराकर सुमेर को देखती हुई बोली, क्या हुआ? तुम्हें तो बंजारन से मिलना था ना, मिल लो, वो खुद तुमसे मिलने आई है। सुमेर के होठों से आवाज नहीं निकल रही थी और इस बात पर माई उसका मजाक उड़ाती हुई बोली, क्या हुआ, उसकी तारीफ में तुम्हें कोई शब्द नहीं मिल रहे क्या? इतना कहती हुई माई सुमेर के नजदीक आ गई। सुमेर के चारों तरफ लगी हुई आग भी माई को रोकने की जरूरत नहीं कर पाई। माई आगे आई और उन्होंने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। सुमेर की नजर उनके हाथों पर पड़ी तो उनके दोनों हाथ बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे। अनन्या ने जैसे उनके हाथों को खराब किया था वैसा अब कुछ भी नहीं था। माई ने अपनी उंगली से सुमेर के होठों को छुआ और सुमेर को लगा जैसे कि उसका मुंह अब बोलने के लिए आजाद हो चुका था। सुमेर बोला, आप लोग मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैंने तो शरीर का इंतजाम। इतना कहते हुए सुमेर चुप हो गया। माई ने हैरानी से कहा, क्या कह रहे थे तुम? सुमेर बोला, मैं बंजारन के लिए एक शरीर का इंतजाम कर रहा था। मैं ये चाहता था कि उनको एक शरीर मिल जाए ताकि आगे की क्रियाओं में उनका योगदान पूर्ण रूप से रहे, लेकिन आप लोगों ने तो मेरे साथ ही ये सब किया। क्या मेरे साथ का यही अंजाम है? माई ने इनकार में सिर हिलाया और सुमेर के कंधे पर हाथ रखती हुई बोली, ये तुम्हारे साथ का अंजाम नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक सबक है कि यहाँ पर बस एक ही की हुकूमत चलती है और वो है बंजारन की। यहाँ जो कुछ भी होता है वो सिर्फ उसी की मर्जी से होता है।
और तुम्हारे अंदर तो इस बात का घमंड हो गया था कि तुमने उसे अपनी पनाह में रखा हुआ है। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी वजह से उसकी शक्तियां लौट रही हैं? ये सोचना तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मैं चाहती तो तुम्हें पहले ही इसका जवाब दे देती, लेकिन मैं तो बस सही मौके का इंतजार कर रही थी। बंजारन खुद तुम्हारी हर बात का जवाब देना चाहती थी, और देखा तुमने, अब दोबारा इस गलतफहमी में मत रहना और अब जो कहने आए हो उसे सही तरीके से बताओ। सुमेर को अपने इस इंसल्ट पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो अपने मन में भी कुछ और नहीं सोच रहा था, क्योंकि वो जानता था कि बंजारन उसके मन की बातों को भी समझ रही थी। इसलिए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और माई को बंजारन को शरीर दिलाने की बात बताई, सखी के बारे में बताया और सखी को लाने के लिए अपने दोस्त को भेजने वाली बात बताई। सुमेर ये सब कुछ बताता चला गया, जिसे सुनकर माई कुछ सेकंड के लिए तो चुप हुई और फिर बोली, और अचानक तुम्हें ये ख्याल क्यों और कैसे आया? सुमेर ने कहा, आपने द्वार को खोलने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही ना, तब मैंने सोचा कि उससे पहले ही अगर बंजारन को शरीर मिल जाएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी तो वो एक ऊर्जा के रूप में है, और कई बार ऊर्जा पर काबू पाना बहुत आसान होता है, और आप ये भी अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारे सामने की सबसे बड़ी चुनौती ध्रुव है, और वो कोई मामूली इंसान नहीं है। मैं जानता हूं कि बंजारन के सामने तो वो नहीं टिक सकता, लेकिन फिर भी वो एक बड़ी रुकावट तो है ना। इसीलिए अगर वो एक शरीर में रहेंगी एक सामान्य इंसान की तरह, तो उन पर आसानी से काबू कर पाना संभव नहीं हो पाएगा, बल्कि एक शरीर के साथ तो वो खुले में भी रह सकती हैं सामान्य इंसान की तरह, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। सुमेर की बात सुनकर माई ऊंची आवाज में बोली, तुम क्या कहती हो? क्या तुम एक बार फिर नए शरीर को पाना चाहती हो? वैसे भी जब से तुम्हारा वो श्रापित शरीर समाप्त हुआ है, तब से तुम्हारी चुनौतियां तो बढ़ी गई हैं, और ये बात तो सच है कि एक नया शरीर होगा तो तुम पहले की तरह आजाद रह पाओगी। आखिर कब तक तुम इस तरह से अपने आप को छुपा कर रखोगी? जब तक तुम सामने नहीं आओगी, हम हमारे दुश्मनों से खुलकर मुकाबला नहीं कर पाएंगे। माई का बस इतना ही कहना था, और वहां पर सुमेर के इर्द गिर्द जितनी आग की लपटें उठ रही थी, वो सब धीरे धीरे करके शांत होने लगी। वो जगह बिल्कुल नॉर्मल हो गई, और अब वहां पर बस मशालों से आ रही रोशनी और खामोशी थी। माई ने कहा, उसने अपना जवाब दे दिया है। सुमेर बोला, लेकिन उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो कोई आवाज ही नहीं सुनी। माई बोली, तुम्हारे आसपास आग की वो लपटें नजर नहीं आ रही है ना? इसका साफ मतलब है कि उसे तुम्हारा विचार पसंद आया है। ले आओ उस लड़की को, सुमेर ने आहिस्ता से कहा। वो कोई लड़की नहीं है। माई ने पूछा, लड़की नहीं है? कौन है फिर? तुमने तो कहा कि उसका नाम सखी है। सुमेर ने अपनी नजरें झुका ली और बोला, वो एक अर्ध नारी है। इतना कहते ही सुमेर को लगा जैसे किसी ने उसे पूरे फोर्स के साथ धक्का दिया हो, और वो तेजी से हवा में उड़ता हुआ गुफा की चट्टान वाली दीवार से टकराया और कराहते हुए नीचे जमीन पर गिर गया। माई भी एकदम हवा की तेजी के साथ सुमेर के नजदीक आई और गुस्से में बोली, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? एक अर्धनारी? तुम्हें पता है अर्धनारियां कितनी ताकतवर होती हैं? एक तो उनके शरीर पर काबू पाना अपने आप में मुश्किल काम होगा, और ऊपर से तुमने ये भी बताया कि वो सखी तंत्र मंत्र की दुनिया से ताल्लुकात रखती है। सुमेर, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमें फंसाना चाहते हो? शायद सुमेर का टाइम बहुत बुरा चल रहा था। एक तरफ वो चेरी की बातों में आकर माई और बंजारन के खिलाफ चल पड़ा था, तो वहीं दूसरी तरफ माई और बंजारन का भरोसा उस पर से उठ गया था, और तीसरी तरफ उसकी शक्तियों को बांधने की पूरी तैयारी चल रही थी, और उसका इंतजाम भी हो चुका था, जिसकी भनक तक सुमेर को नहीं थी। एक तरफ जहां सुमेर माई के गुस्से का शिकार हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ ध्रुव पाली के बाहर कस्बे के बाजार में छलावा के साथ मोटरसाइकिल से घूम रहा था और इधर से उधर सामान खरीद रहा था। उन लोगों ने काफी सारा सामान ले लिया था, जिसमें कुछ मिट्टी के बर्तन, तेल, दिए और पूजा की अलग अलग सामग्री भी शामिल थी, क्योंकि भवरी देवी जो तांत्रिक क्रिया करने वाली थी, उससे जुड़ी हुई जो मुख्य चीज थी वो उनके पास पहले से मौजूद थी। छलावा ने कहा, बहुत देर हो गई है, शाम होने वाली है, हमें शाम होने से पहले ही घर पहुंचना है, और फिर हमें भवरी देवी के पास भी जाना है, अभी और कितनी चीजें रह गई हैं। ध्रुव बोला, बस अब एक बड़ा पैकेट कुमकुम का लेना है, जो हमें नॉर्मल पूजा की दुकान पर नहीं मिलेगा, वो सिर्फ होलसेल की दुकान पर ही मिलेगा, बस उसे लेकर हम यहाँ से निकल जाएंगे। छलावा ने हाँ में सिर हिलाया और ध्रुव पूजा की होलसेल दुकान को ढूंढने लगा। जल्द ही उसे दुकान भी मिल गई और अपने मतलब की चीज भी मिल गई, जिसे लेकर वो छलावा के साथ वापस गाँव के लिए निकल गया था। बाइक पर चलते हुए उन्होंने देखा कि अंधेरा होने लगा था। इन लोगों को घर पहुंचते पहुंचते काफी टाइम हो गया था। उन लोगों को जल्द से जल्द भवरी देवी के पास भी जाना था, ताकि समय से पूजा की शुरुआत हो सके।
जब ध्रुव घर पहुंचा तो उसने देखा तारा और अनन्या ने सारे अरेंजमेंट्स पहले से ही कर लिए थे, जैसे कि उसके लिए काले रंग की धोती निकाल कर रखी हुई थी और उसके नहाने का पानी भी तैयार था। ध्रुव ने कहा, इन सारे सामान के साथ मेरे कपड़े भी रख दो, क्योंकि यहाँ से नहाकर जाने का कोई मतलब नहीं है, मुझे वहीं स्नान करना पड़ेगा। इस विधि के शुरू होने से पहले स्नान किया जाता है, मुझे बहुत देर हो गई है, मैं निकलता हूँ, मैं बस हाथ मुंह धोकर आता हूँ। इतना कहकर ध्रुव बाथरूम की तरफ बढ़ा और फिर रुक कर बोला, चेरी को कॉल करूं? अनन्या ने पूछा, चेरी को? लेकिन क्यों? ध्रुव बोला, उससे बोलो आज की रात वो यहाँ आ जाए। ध्रुव की ये बात उनमें से किसी के समझ में नहीं आई। अनन्या ने पूछा, यहाँ क्यों आए, मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आया। ध्रुव ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ वो करो, क्योंकि जैसे ही प्रक्रिया शुरू होगी सुमेर को पता चल सकता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और गुस्से में वो चेरी पर हमला भी कर सकता है, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। तारा ने कहा, लेकिन ऐसे तो वो ठकुराइन को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा ना। ध्रुव बोला, नहीं, चेरी को नुकसान पहुंचाकर वो डायरेक्ट छलावा पर हमला करेगा, लेकिन ठकुराइन को नुकसान पहुंचाकर वो हमें से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब जाकर ध्रुव की बात उन सबको समझ में आ गई थी। छलावा चेरी को कॉल करने लगा और ध्रुव जल्दी से हाथ मुंह धोकर आया। फिर वो सब सामान लेकर छलावा और तारा के साथ वहां से निकल गया।